हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा द पैट्रिशियन, जो लिखा है जॉन गास्फर्दी ने। ये एक फिक्शन है जिसे पब्लिश किया गया था 1911 में। स्कॉलर्स का मानना है कि सांस्कृतिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जॉन गास्फर्दी का मानना है कि समाज की जो रूढ़ियां हैं या समाज का जो कट्टरपन है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हमेशा से समाज के अपर क्लास ने अपने कंधों पर उठाई हुई है। उसमें उसका अपना फायदा है, अपर क्लास का। अपर क्लास उन रूढ़ियों को बनाकर जो अपना वर्चस्व है या अपनी पावर है वो छोटे तबकों पर बनाकर रखती है। यहां पर उसी अपर क्लास पर कटाक्ष है। दूसरा, यहां पर आपको दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो नरेशन में आएंगी। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है कंजर्वेटिव, जैसे आपने सुना होगा कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी जो होती है मोस्टली इनकी जो बागडोर होती है वो अपर क्लास उठाती है, और ये थोड़ी कट्टरवादी पार्टी होती है जो चाहती है कि समाज पर जो है हम लोगों का राज रहे। दूसरी तरफ लिबरल्स होते हैं, लिबरल पार्टी होती हैं जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर यकीन करती हैं कि हमें एक आम आदमी को अधिकार देने हैं, कुछ भी खाने का, कुछ भी पहनने का, कहीं पर भी जाने का, किसी से भी शादी करने का। ये अधिकार कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती देना, वो चाहती है कि हम नियम कायदे कानून बनाएं जो लोगों पर थोपे जाएं। ये दो अलग अलग विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज हैं पॉलिटिकल, जो आपको पता होनी चाहिए तभी आपको ये नरेशन समझ में आएगी। जॉन गास्फर्दी का एक खूबसूरत फिक्शन है, सुनिए इसकी नरेशन। मिलते हैं नरेशन के बाद कुछ सवालों के साथ। लॉर्ड वैलीज, जो कैराडॉक फैमिली के हेड हैं, वो एक शानदार वीकेंड बिताकर लंदन वापस लौटे हैं। लॉर्ड वैलीज गए थे मॉकलैंड कोर्ट नाम के जिले यानी काउंटी में। ये इनके परिवार की खानदानी पार्लियामेंट सीट है और लॉर्ड वैलीज यहीं से सांसद यानी एमपी हैं। उन्हें लंदन वापस लौटना पड़ा क्योंकि दुश्मन देश ने इंग्लैंड पर हमला करने की धमकी दी थी और एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। हमले के डर ने कैराडॉक फैमिली के एक मेंबर को और पॉलिटिक्स में आने के लिए इंस्पायर किया, और वो मेंबर थे लॉर्ड वैलीज और लेडी वैलीज के बड़े बेटे यूस्टेस कैराडॉक। वैसे भी यह फैमिली ट्रेडिशन था कि अगली पीढ़ी में से किसी न किसी को तो पार्लियामेंट ज्वाइन करनी ही थी। कैराडॉक फैमिली कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है। अब यूस्टेस को सोसाइटी में जो एरिस्टोक्रेटिक्स यानी अमीर बड़े लोगों की अथॉरिटी है उसे बनाकर रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लॉर्ड और लेडी वैलीज एक कंजर्वेटिव पेरेंट्स हैं, जैसे कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। लॉर्ड एंड लेडी वैलीज को अपने बेटे यूस्टेस के करियर की बहुत चिंता है क्योंकि यूस्टेस के भाषण स्पीचेस उनके हाई आइडियल्स यानी उच्च आदर्शों को शो करते हैं। वो एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यूस्टेस को प्यार हो गया है मिसेस ऑड्री लीज नॉयल नाम की शादीशुदा औरत से, जो रेवरेंड स्टीफन नॉयल की बीवी हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि मिसेस नॉयल ने डाइवोर्स लिया हुआ है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर होने के नाते यूस्टेस ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो सोसाइटी की रूढ़ियों के खिलाफ या ट्रेडिशन से अलग हों। स्टार्टिंग में यूस्टेस को मिसेज नॉयल के मैरिड होने का पता नहीं होता। मिसेज नॉयल यूस्टेस को डिस्करेज नहीं करती, उसे हकीकत नहीं बताती और उसके साथ एक्टिव अफेयर चला लेती हैं। जब लॉर्ड एंड लेडी वैलीज थक जाते हैं तो लेडी वैलीज अपनी माँ और यूस्टेस की नानी लेडी कैस्टरली को एक लेटर लिखकर सारी बातें बताती हैं। लेडी कैस्टरली लेडी वैलीज से वादा करती हैं कि वो अपनी पूरी ताकत से यूस्टेस को किसी भी ऐसी गलती करने से रोकेंगी जो उसके करियर के लिए डेंजरस हो। जब लॉर्ड वैलीज लंदन चले जाते हैं तो यूस्टेस की बातचीत होती है मिस्टर कोटियर से,
जो यूस्टेस के पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी राजनीतिक विरोधी हैं। मिस्टर कोटियर लिबरल हैं। मिस्टर कोटियर मिसेस नोएल के बचपन के दोस्त हैं। वो मिसेस नोएल के घर आते जाते रहते हैं। यूस्टेस से डिबेट वो मिसेस नोएल के ड्राइंग रूम में ही किया करते हैं। इन्हीं डिबेट्स के दौरान होने वाली विजिट्स में यूस्टेस पूरी तरह मिसेस नोएल के प्यार में पड़ गया था। यूस्टेस और मिस्टर कोटियर अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिबेट्स किया करते हैं। मिस्टर कोटियर चाहते हैं कि लोगों को आज़ादी दी जाए, फैसले मासेस के अकॉर्डिंग हों, और वहीं यूस्टेस का मानना था कि समाज में क्या होगा इसका फैसला सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक्स यानी कुलीन वर्ग को करना चाहिए, क्योंकि वही वर्ग पढ़ा लिखा है और ट्रेंड है, और वही वर्ग देश का ख्याल भी रख सकता है। कुछ दिनों के बाद यूस्टेस दोबारा मिसेस नोएल से मिलने जाता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि गांव वालों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और वो उसका भूत उतार रहे हैं। ये एक अंधविश्वास है जहां इंग्लिश सोसाइटी उस दौर में किसी भी आदमी को पकड़कर उसे पीट पीट कर मार देती थी या जला देती थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें शक था कि उस आदमी पर शैतानी शक्तियाँ हावी हैं। यूस्टेस और मिसेस नोएल फौरन भागकर उस आदमी को बचाने जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कोटियर हैं, जिन्हें पब्लिक ने खूब पीटा हुआ है, जिससे उनकी नी में मोच आई हुई है। यूस्टेस मिस्टर कोटियर को अपने घर ले जाता है और मिस्टर कोटियर ठीक होने तक कैराडॉक होम में ही रहते हैं। इस इंसिडेंट में सिर्फ मिस्टर कोटियर का ही नुकसान नहीं हुआ था, यूस्टेस का भी हुआ था, क्योंकि लोगों ने उसे मिसेस नोएल के साथ देख लिया था, जिनकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन नहीं है। किसी औरत का अपने पति से अलग रहना उस वक्त की इंग्लिश सोसाइटी में टैबू माना जाता था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। अब तो यूस्टेस के पार्लियामेंट सीट जीतने पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक लोकल न्यूज़पेपर ने भी ये खबर छाप दी। मिस्टर कोटियर ने अखबार में एक आर्टिकल छपवाकर बताया कि मिसेस नोएल रेवरेंड स्टीफन नोएल की बीवी हैं और जो कुछ कहा या सोचा जा रहा है गलत है, लेकिन इससे भी सिचुएशन बदली नहीं। यूस्टेस लंदन गया हुआ था। उसे नहीं पता था मॉकलैंड कोर्ट में क्या चल रहा है, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो जब मिस्टर कोटियर का आर्टिकल पढ़ता है तब उसे पता चलता है वो मिसेस नोएल के प्यार में इतना पागल है कि वो उनकी असली कहानी जानना ही नहीं चाहता कि वो शादीशुदा हैं। यूस्टेस मिसेस नोएल को प्रपोज करता है। वो भी एज्यूम कर लेता है कि मिसेस नोएल डाइवोर्स्ड हैं। मिसेस नोएल भी उसको डिस्करेज नहीं करती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यूस्टेस सब जानता है। वो यूस्टेस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं। सिचुएशन उस वक्त वर्स हो जाती है जब रेवरेंड स्टीफन नोएल मिसेस नोएल को तलाक देने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक रिलीजियस क्रिश्चियन होने के नाते वो तलाक नहीं देंगे। यूस्टेस भी अपने आइडियल्स आदर्शों की वजह से झुक जाता है। कुछ दिनों बाद यूस्टेस इलेक्शन जीत पार्लियामेंट पहुंच जाता है। वैसे तो यूस्टेस और मिसेस नोएल ने वादा किया था कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिसेस नोएल यूस्टेस के पीछे पीछे लंदन पहुंच जाती हैं। यूस्टेस दिन रात काम करता है ताकि मिसेस नोएल के बारे में ना सोच सके। प्यार और काम के प्रेशर में यूस्टेस बीमार पड़ जाता है। यूस्टेस की छोटी बहन बारबरा कैराडॉक अपने भाई के पास आती हैं और जब देखती हैं कि उसके भाई की हालत तो बहुत ख़राब है तो वो मिसेस नोएल को यूस्टेस के पास ले आती हैं ताकि वो अपने प्यार और देखभाल से उन्हें ठीक कर सकें। बारबरा यूस्टेस और मिसेस नोएल के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं रखती हैं, क्योंकि वो खुद जवान हैं और वो भी अपने परिवार और सोसाइटी की बंदिशों से दूर चले जाना चाहती थीं। जब बारबरा मिस्टर कोटियर से मिलती हैं तो वो उनके अपीयरेंस और उनकी सोच से बहुत इम्प्रेस होती है। मिस्टर कोटियर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर बिलीव करते थे। बारबरा ने ऐसा कुछ अपने परिवार में नहीं देखा था। वहाँ वही करना था जो सोसाइटी सही मानती थी। वो जानती थी कि उस शख्स से शादी करना जिससे वो चाहें नामुमकिन है, इसलिए वो मिसेस नोएल और अपने भाई यूस्टेस के लिए सिंपैथेटिक रहती थी।
बारबरा ने ये बात अपने घर में नहीं बताई है कि मिसेज नॉयल यूस्टेस के साथ रह रही हैं। जब यूस्टेस पूरी तरह ठीक हो जाता है तब बारबरा फैमिली में यह बात बताती है। जैसा हम जानते हैं कि यूस्टेस के आदर्श बहुत बड़े हैं, जब वो मिसेज नॉयल के साथ एक्टिव लव अफेयर में आ जाता है तो वो अपनी पार्लियामेंट सीट छोड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर इस तरह से शादी करके जीवन नहीं बिता सकता। उसे तो सोसाइटी में एक मैसेज देना है कि जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं वो ऐसे ही चलती रहनी है। कैराडॉक फैमिली को इस तरह का आइडियलिज्म, आदर्शवाद समझ नहीं आता। वो परिवार जो इस रिश्ते के खिलाफ था, सीट छोड़ने की बात पर यूस्टेस को एडवाइस करता है कि सीट मत छोड़ो, चाहे तो मिसेज नॉयल से अफेयर रखो या मिसेज नॉयल को छोड़ दो। दूसरी तरफ मिसेज नॉयल भी नहीं चाहती थी कि यूस्टेस पार्लियामेंट छोड़े, क्योंकि वो जानती थी कि यूस्टेस पार्लियामेंट के बाहर खुश नहीं रह पाएगा। आखिरकार लेडी कैस्टरली लंदन जाकर मिसेज नॉयल से मिलती हैं और मिसेज नॉयल लेडी कैस्टरली से वादा करती हैं कि वो कभी यूस्टेस से नहीं मिलेंगी। यूस्टेस का फिर से दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपना काम जारी रखता है। वहीं बारबरा, जो घर के रीति रिवाज तोड़ना चाहती थी, उसे अपनी ही क्लास के अमीर लड़के से शादी करनी पड़ी। मिसेज नॉयल और मिस्टर कॉर्टियर कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेटिक क्लास के ट्रेडिशन से दूर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है, आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, तो उसके लिए आपको हमें जुड़ना होगा हमारे से इंस्टाग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक को ओपन करिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। दो लिंक हैं, एक तो ऑरेटर इंस्टीट्यूट का है और एक मेरा है, तो मेरे लिंक को फॉलो करिए। वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो हम प्लान कर रहे हैं गिफ्ट्स आपके लिए, वो आपको कैसे मिलने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय। आपके सवाल ये रहे।